इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वजीर दाखिला राना सना के बयान पर साबिक वजीर आजम इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वजारत दाखिला और विफाक को 6 अप्रैल के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वजीर दाखिला राना सना के बयान पर साबिक वजीर आजम इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ बताइएगा समाअत का क्या है वाले मजीद। हाँ देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना सना के बयान पर इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त पर समाप्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और विफाक को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाप्त की। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इमरान खान की बतौर साबिक चेयरमैन सिक्योरिटी नहीं मिल रही, जिस पर शासन चौधरी एडवोकेट बोले कि इमरान खान की सिक्योरिटी वापस दे दी गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को खतरा लाक होने पर सिक्योरिटी के क्या एसओपीज होते हैं, और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साजिब इंसार ने बहुत सी सिक्योरिटी वापस ली थी। चीफ जस्टिस ने कहा लेकिन उसके बावजूद अगर किसी को खतरा हो तो उन्होंने सिक्योरिटी देने की भी कहा था, और क्या वो एसओपीज अब भी इन फील्ड हैं या नहीं ये भी देख लेते हैं। जिसमें फैसल चौधरी एडवोकेट बोले कि पुलिस जिसके मातहत है वही धमकियां दे रहा है। तहन इमरान खान ने राना सना को धमकियां में इस बयान पर सिक्योरिटी की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने दाखिला को जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए 6 अप्रैल। बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद, आपने अपडेट किया।